अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर दी फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये हमें टू फ्रैक्शन गिवन है, हमने देखना है क्या ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं, 5/8 और इक्वल टू 15/24। सॉरी, पहले हम बीच में एंड ही लिखते हैं। 5 और 8 जो है ये दोनों सेम टेबल पे नहीं ना आता, मींस ये तो पहले ही अपनी लोएस्ट फॉर्म है। अब हम इसको लोएस्ट करते हैं, क्या हम देखना है 15 और 24 किसी सेम टेबल पे आता है। तो ये दोनों जो हैं 3 के टेबल पे आते हैं, 3 5 ज़ा 15, तो इसको कट करेंगे, और 3 8 ज़ा 24। तो देखें 5 और 8 दोबारा से कट नहीं होंगे, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। ये फ्रैक्शन भी इसी 5/8 के ही इक्वल थी, लेकिन उन्होंने हमें जो है इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं दी हुई थी। होती है इक्वल ही है, तो हम इस तरह से लोएस्ट बनाकर इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 5/8 इक्वल टू है 5/8 के, मीन्स 15/24 सेम है। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 5/8 इक्वल टू 15/24। तो मतलब हमने इसको चेक कर लिया, दोनों सेम आए थे, तो ये हमारे पास इक्वल हैं, मीन्स के ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देखें 7/11 एंड 28/44। देखें ये 7 और 11 तो पहले ही लोएस्ट फॉर्म में है, दोनों जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हम देखने हैं क्या 28 और 44 किसी सेम टेबल पे आता है। तो जी ये दोनों जो हैं 4 के टेबल पर आ जाएंगे, 4 7 ज़ा और 4 11 ज़ा। तो मींस ये कट होकर इसके इक्वल ही हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 7/11 इक्वल टू है 28/44। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 3/10 एंड 12/50, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखें 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये कट नहीं होगा आगे, तो ये तो ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अब हम 12/50 को चेक कर लेते हैं, हमने देखना है क्या 12/50 जो है ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं। तो देखें 2 6 ज़ा 12 और 2 25 टाइम 50 होता है, तो ये अब आगे कट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है 6 और 25 किसी सेम टेबल पे नहीं आएगा, मींस ये वाला इसके इक्वल नहीं आया। तो हम लिख देंगे 3/10 इक्वल नहीं है, हम इस तरह से कर देंगे 6/25 के। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।